हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी एजुकेशन। आई एम भावना पाटीदार हियर और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 पर, जिसपे कि हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को यानी कि सीएससी एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस करें और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज एज सुन एज मिल सके जैसे कि हम अपलोड करें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कैनेडा, सी स्विट्जरलैंड एंड डी पूर्व सोवियत संघ। करेक्ट आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 4 इसके बारे में बताता है। भारत के संविधान में जैसे कि आपने कल बताया कि 22 भाग है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा और बताया कि 22 भाग संविधान में है। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग 4 किसके बारे में बताता है। ए मूल अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी मूलभूत कर्तव्य। तो भाग 4 में किस में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें सभी हमको पता है कि भारत के संविधान में विभिन्न स्थानों से चीजें ली गई है, ठीक वैसे ही वह कौन सा दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन हैं ए अमेरिकी संविधान, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ब्रिटिश संविधान एंड डी यूएन चार्टर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में निम्न में से किसका वर्णन है। भाग 4 में हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, अब भाग 3 में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए मूल कर्तव्य, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार और डी नागरिकता। तो फ्रेंड्स भाग 3 में क्या दिया गया है आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, जो कि है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, और मूल अधिकार कितने हैं ये भी मैंने कल पूछा था, तो होप आप सभी ने देखा होगा कि कितने मूल अधिकार है और मूल अधिकार के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो फ्रेंड्स मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि 6 है। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उसको विधि का अधिकार बना दिया गया था, और वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व मिला है, तो वह कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत यह दिया गया है। ऑप्शन है ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची एंड डी चतुर्थ अनुसूची। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो कौन से अनुसूची में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में। तो फ्रेंड्स डी चतुर्थ अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2015 का है, बिहार पीएससी 2015। आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बना था तेलंगाना, और भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ था इस राज्य को अलग करने में, वह आपको पूछा गया है। ऑप्शन है शेड्यूल 1, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति की राज्य सूची, अनुसूचित जाति की राज्य सूची, थर्ड है अनुसूची 9 एंड फोर्थ में अनुसूची यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1,
आंध्र प्रदेश से अलग कर राज्य नया राज्य बना था तेलंगाना, जिससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है, तो उसमें अनुसूची वन में परिवर्तन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जैसा कि सभी ग्राम पंचायत होती है, तो उसका गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 31, बी आर्टिकल 49, सी आर्टिकल 39 एंड डी अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। ग्राम सभा क्या है, आपको यह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन विधेयक यह परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यह आपका 8th क्वेश्चन है, और देखते हैं इसके ऑप्शंस। आर्टिकल 103, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 124। तो धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है यह बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं, ये बालिकाओं नहीं पालिकाओं है, द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसमें आपसे अनुच्छेद पूछा गया है कि किसके अंतर्गत। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 एंड अनुच्छेद 326। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 245 या 245 में आपका संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो 10th क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 311, आर्टिकल 312, सी है आर्टिकल 313 एंड डी आर्टिकल 314। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 312 या 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान है। कल का हमारा क्वेश्चन था संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, तो आपके ऑप्शन थे आर्टिकल 352, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 352 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, आज का 11th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 35A संविधान में भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 35A है क्या, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का आपका क्वेश्चन है अनुच्छेद 35A संविधान में भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा जोड़ा गया था? साथ में आप यह भी लिखें कि 35A किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी के आर नारायण, सी अब्दुल कलाम एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और कल के हमारे टॉप स्कोरर थे, फर्स्ट है सोनिक कुमारी, इन्होंने 9 out of 10 स्कोर किया था। इनको हमने फर्स्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि इनका कमेंट बहुत ही यूनिक था। मैंने जो जो भी बातें कल के वीडियो में पूछी थी उनके सारे जवाब इन्होंने दिए हैं, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे सोनिक कुमारी। सेकेंड कमेंट था ऋषिकेश तिवारी, इन्होंने भी आर्टिकल 352 कल का जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसको कमेंट में एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और 10 out of 10 में है मंटोस कुमार, चंद्रमोहन, रमेश नारायण, प्रियंका चौधरी एंड पवन के, इन्होंने सभी ने 10 out of 10 स्कोर किए हैं। आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन है,
कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर खराब शुरुआत को नहीं सुधार सकता, पर हर व्यक्ति अब नई शुरुआत करके एक सफल अंत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने पढ़ाई में लगे रहे और जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे लीव करें और अब एक नई शुरुआत के साथ एक नई सफलता को अचीव करें। और तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSE एजुकेशन, लाइक शेयर सब्सक्राइब CSE एजुकेशन, एंड थैंक यू वेरी मच।